I learned that these boards, CBSE, ICSE and all, they don't really care about your education. They only care about one thing. Exam 3 ghante ka hai, kisi ko bhi pehle bahar mat nikalne dena. Aur mera to 5 minute mein khatam ho jata hai. Kyunki utna time lagta hai roll number har page pe om likhne mein. Maine side mein dekha, to Muslim bacche, Sikh bacche, क्रिश्चियन बच्चे सब ओम लिख रहे हैं. हाँ, मैं कहा कहीं ठीक आंसर ही तो नहीं है. उस 5 मिनट भी शांति नहीं मिलती है. पीछे से किसी ना किसी कुत्ते की आवाज आ ही जाती है, मैम शीट. और इसी आवाज में आती, मैम शीट. और इसी ऐसे मांगती, टिश्यूज मांगती, मैम 5 शीट दे दो, मैम मैप दे दो. मैं भैंसो मैप वाला कौन सा क्वेश्चन है यार, मुझे मैप में कुछ नहीं आता सिवाय एलओसी बनाने की. किसी को पता नहीं वो कहां है, फर्क नहीं पड़ता. जब गवर्नमेंट को नहीं पता तो टीचर का नंबर काट लेंगे. आंखें बंद करके मैप पे कोई भी लकीर खींच दो. 5 शीट कौन भरता है यार, मैंने 5 पेज नहीं भरने. मैं आंसर काट काट के फिर लिख रहा हूँ कि चलो. मैं आधा हूँ, मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ, पीटीओ लिख के बाकी दूसरे पेज पे. मैं थ्रेड लिए फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट. मेरे पास शीट भी नहीं, मैं 2 थ्रेड लिए. बाद में उसको मुंह में दबा के पूरे स्कूल में घूमने वाला हूँ. इतना स्ट्रेस हमारी कंट्री में, इतना स्ट्रेस एजुकेशन पे बच्चों को जीने नहीं देते. आप देखो, आप यूट्यूब से कुछ सीख लो और आ जाओ कि मैं ये सीख के आया. यू हैव नो रिस्पेक्ट. आप कोई बुक पढ़ के कुछ बोल दो कि मैंने ये सीखा है इस बुक से, नथिंग. अनपढ़ आदमी के पास भी एमबीए की डिग्री होगी ना, उसको हमारी कंट्री में जॉब मिल जाएगी. आप देखो, आप सब लोग यहाँ पे टिकट खरीद के बैठे, यू आर स्लाइटली प्रिविलेज्ड, राइट? आपको लोग एजुकेशन के बारे में गिल्टी कर देंगे, ऐसे बोल देंगे कि इफ यू ओनली गिव 5,000 rupees पर ईयर, सम लकी चाइल्ड कैन बी सेंट टू स्कूल फॉर दैट होल ईयर, राइट? दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक. पर मैं कह रहा हूँ कि उसको पूछ लो ना एक बार. क्या पता वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ. नहीं, आप देखो, जब मोदी चाय बेच रहा था, किसी ने उसकी फीस भर दी होती तो आज खुद जीएसटी भर रहा होता. वो बच्चा अपने मन की कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है. नंगा भाग रहा है इधर उधर, सिर्फ वो काला धागा बांधा हुआ है, नदी किनारे हग रहा है. सडनली एक आदमी आके बोल रहा है, ओए तेरी स्कूल की फीस भर दी, चल स्कूल तू. And you know, let me just make one thing very clear. I'm not trying to get a laugh or amusement out of some underprivileged person's adversity. I'm just saying I know these things from experience. मेरा जो best friend था school में, benchmate, आपका best friend जो होता है, अंशुल, वो ऐसे ही आया था. पूरा दिन school में लगा रहता था वो कि बेंचो मेरी fees कौन भर रहा है यार? कौन है ये पागल आदमी? And you know why you're laughing? It's because you all are like me. तुम शुरू से स्कूल गए, यू नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स यू वेंट. अंशुल सीधा 8th में आया. बहुत चीजें बच्चे खुद सीख जाते हैं ऐसे लाइफ में जो उसको पता ही नहीं है, जैसे फ्लश नहीं करता कभी भी, क्योंकि जहां से वो आया यू कैन जस्ट गेट अप एंड लीव. सुहानी यादें बन जाता है बस, आई गेस, राइट? चीटिंग नहीं करनी, उसको बोला चीटिंग करने. मैंने कहा एग्जाम में ना आंसर लिखे, कह रहा ठीक है. गाइड बुक ले आया, कह रहा इसमें सारे आंसर हैं. मैं किसको रखेगा कहाँ? उसने पैंट उतारी और यहाँ पे ना गाइड बुक बांध ली, फिर पैंट पहन ली. मैं कहा जिप कैसे करेगा? कह रहा देख, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लूँगा, फिर मैं टॉयलेट जाऊँगा, फिर मैं सारे आंसर पढ़ लूँगा. इजी. मैं कहा तो बुक टॉयलेट में छोड़ा था. कह रहा यही सब तो सीखा नहीं मैंने. मेरे पापा गांजा बेचते हैं, वो ऐसे ही छुपाते हैं.
और रूरल स्कूल में किसी को पढ़ी नहीं होती जहाँ चीटिंग की, पता है इन्विजिलेटर जो है वो मुंह पे टॉवल रख के सोया हुआ है, सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं सिवाय अंशुल के, क्योंकि उसकी बुक पैंट में है। वो जाके टीचर को जगा रहा है कि सर कैन आई गो टू टॉयलेट, खुद टॉयलेट चला गया, हम सबकी चीटिंग रुक गई, हम सब वेट कर रहे हैं अंशुल वापस कब आएगा। 15 मिनट बाद अंशुल बिना बुक के वापस आया, हमने कहा शुक्र है आंसर ही बताएगा, आते ही हाथ खड़ा कर दिया, टीचर आ गया, हम सबकी फट गई। उसको कह रहा है सर ये 2 क्वेश्चन है ना ये आउट ऑफ सिलेबस है। इतना बड़ा, क्योंकि चीज़ें पता नहीं लगती ना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरा हॉस्टल में रूममेट था, मेरे साथ ही रहता था। एक दिन हमने क्या किया, हमने रात में ना 2 बजे वार्डन को बाहर से बंद कर दिया, और फिर 15-20 लौंडे रात में मिलके ना हॉस्टल में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ, गांजा पी के बच्चे छुपे हुए, खुद भूल गए कहाँ छुपे थे। हाँ, ये 3 दिन से चल रही है, 3 दिन पहले शुरू की थी हमने गेम, उस दिन वार्डन था नहीं इसलिए उसको आज बंद कर दिया कि चलो कंडीशन सेम रहे। वार्डन इतना गुस्सा हो गया, उसने पुलिस बुला ली, हॉस्टल में पुलिस आ गई, लेकिन जब तक पुलिस आई ना हम सब छुप चुके थे, सिर्फ अंशुल बाहर था, उसको बताया नहीं था कि हर बार डिनर नहीं बनना होता। उसको पुलिस से 2 चांटे पड़े, पुलिस अंदर आ गई, पुलिस ने कहा सब लोग बाहर आ जाओ, कोई बाहर नहीं आया। सीन देखो तुम लोग, अब पुलिस डेन दे रही है, सडनली गेम का लेवल कितना बढ़ गया तुम देख रहे हो। जो लोग दाऊद को ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमें ढूंढ रहे हैं, और वो अंशुल खुद तो पकड़ा गया, उसको फर्क नहीं पड़ता, पुलिस की गांड मार के सर ध्यान से धप्पा ना कर दे कोई आपको। पुलिस डंडे मार मार के बच्चे ढूंढ रही है, और पुलिस का क्या है ना, पुलिस चीटिंग करती है, हमने गेम के रूल्स रखे हुए कुछ, पुलिस फॉलो नहीं कर रही, लाइट ऑन कर देंगे अलाउड ही नहीं है। एक बच्चा बेड के ऊपर छुपा हुआ था, एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, वो हॉस्टल की छत पे गया, हॉस्टल के सामने जो बिल्डिंग थी उसकी खिड़की की जो लेज नहीं होती वो छत से जंप मार के लेज पे जाके बैठ गया ऐसे, तो सामने दिख रहा है, बस वहां जा नहीं सकते, पूरी दुनिया रूम्स के अंदर छुपती है, चूतिया बिल्डिंग के बाहर छुपा हुआ है। पुलिस और अंशुल पहुंच गए, पुलिस वाले कह रहे हो तो दिख गया हमको यहाँ पे सजा, इग्नोर कर रहा है बस बैठा हुआ वहां। वो अंशुल अभी भी लगा हुआ, पुलिस को कह रहा है सर आप आइस पैस बोलो ना, पैसे कैसे बुला रहे हो उसको। पुलिस वाला कह रहा है तो दिख गया हमको यहाँ वापस आ जा, वहां से बोल रहा है पहले ये तो बताओ मैं दिख कहां रहा हूं। एक हमारे क्लास में था राहुल, राहुल को पता नहीं क्या सपना आया कि जहां मैं छुपा हूं ना वो जगह ठीक नहीं है, चेंज कर लेता हूं, सबके सामने से भागता हुआ जा रहा है। अब तक पुलिस मूड में आ गई, पुलिस बोल रही है आई स्पाइस आई स्पाइस, वहां से भागते हुए बोल रहा है, नाम भी बोलना होता और दौड़ गया जाके मेरे और अंशुल के रूम में छुप गया। पुलिस वाला पीछे भागा, उसने दरवाजा बंद कर दिया, पुलिस वाला दरवाजे पे धाड़ 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 मार रहा है, राहुल खोल ही नहीं रहा। 1 मिनट बाद राहुल ने खोला नंगा, 2 कदम तो पुलिस ने पीछे ले लिए। पुलिस वाला कह रहा है आप भागे थे ना वहां से, अभी कह रहा नहीं तो मैं पॉटी कर रहा था। पुलिस वाला कह रहा है आप पॉटी कर रहे हैं तो चौड़ में आ रहा, कह रहा मैं नंगा हो गया तो आपको क्या है। पुलिस वाला कह रहा है देख सबने देखा तेरे को भागते हुए, चुपचाप बाहर आ जा नाटक मत कर, कह रहा सर मैं 5 मिनट से हक रहा हूँ। पुलिस वाला कह रहा पक्की बात है ये, कह रहा पक्की बात है। पुलिस वाला कह रहा ठीक है हवलदार चेक करो। तो हवलदार भागा कमोड की तरफ, उसके पीछे भागा राहुल नंगा, उसके पीछे भागे मैं और अंशुल, हमें मजे लेने थे, पर तुम्हें याद होगा अंशुल कभी फ्लश नहीं करता था। तो जब वहां पहुंचे तो सबसे ज्यादा तो राहुल चौंक गया,
कपड़े मैंने उतारे थे तो मुझे याद है। पुलिस वाले दोनों ऐसे देख रहे थे, ताजमहल दिख गया उनको वहां पे। तुम लोग हंस रहे हो अभी, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, पर उसने गांड लग गई थी। मेरे पेरेंट्स को बुला लिया था घर में, पेरेंट्स आके बोल रहे हैं ये सब करने भेजा तुमको यहाँ। मैं तो क्यों भेजा है, मेरा तो कोई मन नहीं था आने का। कह रहे हमने कहा भेजा, पता नहीं कौन तेरी फीस भरे जा रहा है इतने सालों से। मैं कहा मेरे हाथों में भेजते थे 12 साल से, किसकी फीस भर रहे हो फिर। कह रहे अंशुल की।